नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 17 जनवरी 2024 दिन बुधवार। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको बताएंगे। सभी खबरें जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। CM सुक्खू बोले, 7000 विधवा और एकल नारियों को घर बनाने में मदद करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शीघ्र ही मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू करेगी। योजना के तहत पात्र विधवा एवं एकल नारियों को घर बनाने के लिए 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। 7000 महिलाओं को घर बनाने के लिए सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला उत्थान के लिए समर्पित इस योजना को हाल ही में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई है। योजना की अंतिम रूपरेखा तैयार की जा रही है। योजना के तहत निर्मित घर में बिजली, पानी और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। हिमाचल को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्य का पुरस्कार, CM ने टीम की सराहना की। भारत मंडपम नई दिल्ली में उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा राज्यों के स्टार्टअप रैंकिंग 2022 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश को श्रेणी बी में सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मर पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार राज्य में बेहतरीन स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए प्रदान किया गया। प्रदेश का मूल्यांकन 7 सुधार क्षेत्रों और 27 कार्य बिंदुओं पर किया गया, जिनका राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य को क्षमता निर्माण में अग्रणी, फंडिंग लीडर, सस्टेनेबिलिटी प्रमोटर, इनक्यूबेशन हब, मेंटरशिप चैंपियन, इनोवेटिव लीडर और संस्थागत चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई। मुकेश अग्निहोत्री बोले, नालागढ़ अयोध्या और वृंदावन बद्दी अमृतसर बस होगी शुरू। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि दर्शन सेवा योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उप मुख्यमंत्री नालागढ़ की किरपालपुर पंचायत में 4 दिवसीय पीर स्थान लोहड़ी सभ्याचारक मेले की सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ करने के बाद उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दर्शन सेवा योजना के तहत प्रदेश के धार्मिक स्थलों से दूसरे राज्यों के धार्मिक स्थलों के लिए भी लगभग 100 नए बस रूट शुरू किए जा रहे हैं। नालागढ़ से अयोध्या, नालागढ़ से वृंदावन और बद्दी से अमृतसर तक श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के लिए बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि पीर स्थान लोहड़ी सभ्याचारक मेला समूचे क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है। इस मेले की परंपरा का इतिहास लगभग 300 वर्ष पुराना है। अपने सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखना हम सभी का कर्तव्य है। मैदानी भागों में कोहरे का कहर जारी, कुकुमसेरी में पहली बार -11 डिग्री पहुंचा पारा। हिमाचल प्रदेश में मैदानी जिले शीतलहर की चपेट में है। ऊना व मंडी जिले में लगातार 2 दिन न्यूनतम तापमान माइनस में दर्ज हुआ है। इससे ठिठुरन बढ़ गई है। ऊना का न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि मंडी में -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। लाहौल स्पीति जिला के कुकुमसेरी का पारा इस सीजन में पहली बार -11.1 डिग्री दर्ज हुआ। ऊना और मंडी में लगातार दूसरी रात न्यूनतम पारा माइनस में रहा। राजधानी शिमला के न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री तक कमी दर्ज हुई है। न्यूनतम तापमान कम होने से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम ठंडा हो गया है। मंगलवार सुबह प्रदेश के अन्य मैदानी जिलों कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर सहित सोलन और सिरमौर के कई क्षेत्रों में मंगलवार सुबह भी कोहरा छाया रहा। कई जगह दृश्यता 200 मीटर से भी कम रही। नगरोटा बगवा में राष्ट्रीय वुमेन वेटलिफ्टिंग चैंपियन लीग, मीराबाई चानू समेत 450 वेटलिफ्टर दिखाएंगी दम। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिला के नगरोटा बगवा में 15 मार्च से राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग एसोसिएशन की और इंटर जोनल वुमेन चैंपियन लीग का आयोजन किया जाएगा। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक हासिल करने वाली वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, हर्षा गढ़, एस बिंदिया रानी सहित कई नामी खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगी। इंटर जोनल महिला वेटलिफ्टिंग चैंपियन लीग 15 से 21 मार्च तक नगरोटा बगवा के रेनबो इंटरनेशनल स्कूल स्थित खेलो इंडिया रेजिडेंशियल अकादमी में होगी। प्रतियोगिता में देश की नामी महिला वेटलिफ्टर के अलावा विभिन्न राज्यों से 450 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगी। इसमें यूथ, जूनियर और सीनियर वर्ग के 10-10 कैटेगरी के मुकाबले करवाए जाएंगे। हिमाचल के सभी अस्पतालों में टेस्ट को लेकर नए नियम लागू, स्वास्थ्य विभाग ने लिया फैसला। राज्य सरकार और कृष्णा लैब के बीच चले विवाद के बीच स्वास्थ्य विभाग ने टेस्ट करवाने के नए नियम लागू कर दिए हैं। अब कृष्णा लैब में होने वाले टेस्ट बिना पैथोलॉजी टेस्ट रिक्विजिशन फॉर्म के नहीं होंगे। प्रदेश के सभी अस्पतालों में फॉर्म की व्यवस्था कर दी गई है।
जिले के सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को भी इसे लागू करने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों को भी आदेश दिए हैं कि वह इसी फॉर्म पर ही टेस्ट करवाने के लिए मरीजों को लैब में भेजें। खास बात यह है कि फॉर्म में टेस्ट के आगे टिक करने के बाद चिकित्सक संख्या और साइन भी करेंगे। इससे पहले कृष्णा लैब में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, केवल अस्पताल से मरीज को मिलने वाली पर्ची भरी लिखे टेस्ट को टिक किया जाता था। इसके साथ कोई अन्य टेस्ट चिकित्सक ने करवाना होता था वह लिखा जाता था। इसके बाद मरीज कृष्णा लैब में टेस्ट करवाने के लिए जाते थे। अब टेस्ट पर्ची पर नहीं लिखा जाएगा, वहीं टेस्ट को लेकर ही पारदर्शिता आएगी। गौरतलब है कि बीते सप्ताह प्रदेश भर के अस्पतालों में काम करने वाली कृष्णा लैब की ओर से टेस्ट बंद कर दिए गए थे। जिला सिरमौर में खाई में गिरी ऑल्टो कार, अध्यापक घायल। जिला सिरमौर के ददाहू थाना क्षेत्र रेणुकाजी के अंतर्गत सोमवार देर शाम एक सड़क हादसा सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच शुरू कर रही है। जानकारी के मुताबिक हादसा बाइला के समीप पेश आया, जहां ऑल्टो कार सड़क से करीब 30 से 35 फुट खाई में जा गिरी। घायल व्यक्ति को मौके पर मौजूद लोगों ने 108 एम्बुलेंस के माध्यम से मेडिकल कॉलेज नाहन पहुंचाया। व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में घायल व्यक्ति की पहचान भरोक बनेरी निवासी मुकेश कुमार के तौर पर हुई। बताया जा रहा है कि मुकेश कुमार दून वैली स्कूल में अध्यापक हैं। उधर थाना प्रभारी जीत लाल मोहन ने हादसे की पुष्टि की है। आज का सुविचार, दूध दही छाछ मक्खन घी सब एक ही वंश के हैं, फिर भी सबकी कीमत अलग है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म कला और गुणों से प्राप्त होती है। तो ये थे आज के प्रदेश के मुख्य समाचार। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।